भाई। कौन है मारा, किसने, नाम बताइए। हमारे भाई जिससे बात करते थे वो सपना सपना सिंह थी। हाँ। उसी से बात करते थे जब हम लोग पूछने गए तो उसका भाई हम लोग को धमकी के साथ बात की है। वो सपना सिंह जी सपना यही है, घोरहा के बगल में उसका घर है। अच्छा अच्छा। और हम चाहते हैं कि इतना जो है जो उन्हें तरीके से हमारा बच्चा मारा गया है वही सजा उनको भी होना चाहिए बाबू। मौसी जब माँ समान होती है तो उनका कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। देखिए सर, हमको योगी से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। जैसे हमारे भाई की जान गई है वैसे जितने भी दरिंदे हैं उनको भी पकड़ के वही हादसा करना चाहिए उन लोगों को भी। हाँ। ऐसे मुड़ के हमका लखन है। अच्छा अच्छा। जब मुड़ के लखन तो हमका भैया जल्दी आया। हाँ। भैया अच्छा, मुड़ के देखे इस वजह से कि अब मुझे दोबारा शायद घर पे ना आ पाऊँ, डर था उनके अंदर पहले से। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राज रावत। ये जान लीजिए इस वक्त मैं प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र के धरहेटा गांव में मौजूद हूँ। यहाँ का एक बच्चा है 11 तारीख को घर से जाता है और उस बच्चे का 16 तारीख को लाश मिलती है। उस बच्चे का नाम था उत्कर्ष राय, उत्कर्ष राय उर्फ महाकाल। जी हाँ दर्शकों, महाकाल शब्द भी उस लड़के के नाम के आगे जुड़ा हुआ था। लोग उसको प्यार से महाकाल कहा करते थे लेकिन आज महाकाल नहीं रहा। महाकाल के ही कुछ विरोधियों ने, गांव के ही लोगों ने निर्मम उसका हत्या कर दिया। इस वक्त देखिए महाकाल या फिर उत्कर्ष के ही घर पे मौजूद हैं, उनकी बहनें हैं, ये माता जी हैं। आइए पूछते हैं क्या था, क्या बच्चा कहकर गया था घर से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहेब सावित्री। उत्कर्ष क्या बोल करके घर से निकले थे? बोल के निकले हैं खाना मांगे ने कि सामने खाना बनाए है उनका भैया बनवा था। 7:50 पर निकले हैं। 11 तारीख सोमवार दिन रहा। हाँ। खाना मांगे तो हमका भैया चलते बनाओ टाइम का बका 7:50 बा। हाँ। चलते बनाओ आगे बढ़े हम नहाते रहे। हाँ। ऐसे मुड़ के हमका लखन है। अच्छा अच्छा। जब मुड़ के लखन तो हमका भैया जल्दी आया। हाँ। भैया अच्छा, लखन मुड़ के देखे इस वजह से कि अब मुझे दोबारा शायद घर पे ना आ पाऊँ, डर था उनके अंदर पहले से ही। पता नहीं उनका याद में फोन नहीं करे रहे, फोन में से जाए बोलाए सब। हाँ। फोन में दौड़ा गए भैया हमारे। हाँ। तो हम कहा भैया जल्दी आया चलते खनवा बनाओ। हाँ। भूखे पेटवा भैया मर गए हो, भूखे प्यासे निकले और फिर दोबारा नहीं आए। दोबारा नहीं आए साहेब, काहे के माए के जो है के बच्चा के पेट न भर पावा। अभी में साहेब आपका हाथ में हमारे बल के जाते हमारे भैया जैसे गए जैसे भैया के हमारे पापा ऐसे तो समझना उनके हो। देख लीजिए आज इस माँ के आंखों में आंसू है, माँ रो रही है क्योंकि इस माँ ने अपने बेटे को, भूखे बेटे को खाना तक नहीं खिला पाया। बेटा गया 11 तारीख को, बेटे का लाश मिला 16 तारीख को। सोचो कि क्या किस वजह से उसको मारा होगा दुश्मन ने, ये भी बात हम पता करेंगे इनके घर वालों से। ये कौन है? बड़ी माँ। बड़ी माँ। क्या कहेंगी आप? साहब जैसे ये लड़का का टाड़ा ना करके मारा गया ऐसे इंतजाम हो। कौन मारा है अब पता ना साहब, हम पचे नहीं। कौन है मारा? दुश्मनों लग मारा है मेरे भाई। कौन है मारा, किसने, नाम बताइए। हमारे भाई जिससे बात करते थे वो सपना सिंह थी। हाँ। उसी से बात करते थे जब हम लोग पूछने गए तो उसका भाई हम लोग को धमकी के साथ बात की है। वो सपना सिंह जी सपना यही है, घोरहा के बगल में उसका घर है। अच्छा अच्छा। और हम लोग के साथ उसका भाई बदतमीजी से बात करने लगा। हाँ। और हमारे भैया का पता नहीं चला कितने लोग मिल के मारे हैं। अच्छा अच्छा। बाकी सपना सिंह के भाइयों ने ही मिलकर मारा है जी, उन लोग को हम सब के दम। आपको यकीन है कि वही लोग? चार बार हमारे भाई को लोग मारे हैं। अच्छा मारे भी हैं? अच्छा मारे हैं। अपनी बहन को नहीं शासन में रखे और हमारे भाई को न हमारे माँ बाप को नहीं सूचना दिए और अकेले ले जाके हमारे भैया के साथ दुष्व्यवहार किए और उसे मारे। देख लो लड़कों, लड़कों से यही कहेंगे सावधान रहा करो, सतर्क रहा करो क्योंकि जब आप मारे जाओगे ना तो जिससे आप मोहब्बत किए भी होगे वो भी आपके साथ नहीं आएगा। निर्मम आपकी हत्या हो जाएगी,
लड़की भी आपके पक्ष में बयान देने के लिए नहीं आएगी। और ऐसा ही जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, इस मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा, अगर जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और बताइए। और फिर हम लोग गए पुलिस थाने पे उनका रिपोर्ट लिखवाने, तो फिर वो लोग हम लोग को कहे चलो अभी हम लोग का कोई वो नहीं मिला है सूचना, जब सूचना मिल जाएगा तब हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, काहे का सूचना? ये तुम्हारे भाई का गुमसुदी का। हाँ। हम लोग ढूंढते रह गए सर, रोज जाते थे थाने पे। हाँ। और डेली डेली हम लोग को बात करके हटा दिया करते थे। अच्छा, जाइए अभी वो नहीं है। अच्छा, पुलिस वाले बोलते ढूंढ रहे हैं, अभी मिल जाएगा तब बताएंगे। हाँ, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो बताएंगे। 16 तारीख को मिलती है लाश? 16 तारीख को सौ मिलती है हम लोगो को। कहाँ जगह सौ मिलता है? वहाँ पे पहाड़ पे। अच्छा, बैठा हुआ गाँव में। तब हमारा भाई पहचानने के लिए उसके कपड़े और घड़ी से जूता से हम लोग सब कुछ पहचाने हैं। अच्छा, सौ का शिनाख्त जूते से हुआ है और कपड़े से? हाँ, कपड़े से और उसके घड़ी से। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया? FIR वगैरह पुलिस वालों ने लिखा था उस वक्त? नहीं, उस वक्त लिखे थे, फिर कह रहे थे डिलीट हो गया है। फिर दोबारा हम लोग को 13 तारीख को लिखे हैं। तो कह रहे थे भाई का कॉल डिटेल नहीं मिल रहा है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, तो हम लोग कैसे किसी पे आरोप कर दें? देख लीजिए, इन लोगों ने आरोप लगाया तो पुलिस वालों ने ये कहा कि अभी तक ना तो CDR का इन्फॉर्मेशन मिल पाया है, ना ही कॉल डिटेल मिल पाया, तो कैसे लिख दे? हम यही कहेंगे पुलिस वालों से, हम यही कहेंगे। और इधर पास में करो, और इधर पास में करो ताकि पता चले। हाँ, हम यही कहेंगे पुलिस वालों से कि इस मामले का CDR निकाला जाए, और जो उत्कर्ष है उसका CDR, उसके फ़ोन का CDR निकाला जाए, जिससे ये पता चल पाए कि किससे बात हुई लास्ट बार, किस नंबर पे कॉल हुआ था, तब जा करके हकीकत में ये जानकारी हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है जी, 19 तारीख को दर्ज किया है। हाँ। सौ मिलने के बाद हम लोग पुलिस और देखने भी आई, और हम लोग दुख सुख में हाथ बटाने भी आई थोड़ा बहुत। हाँ। और उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग पूरे जंगल जंगल अगल बगल के घनघोर जंगलों में भी पता किए हमारे बहन और हमारे भैया, बड़े भैया। अच्छा। तब तो हम लोग को मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया, न प्रशासन, न घर गांव के लोग। हाँ। अकेले हम लोग ढूंढते रह गए। हम चाहते हैं सर, जैसे हमारे भाई के वो हुआ है, सब को पतन करके मारे घर आए हैं, वैसे उस लोगों का भी होना चाहिए कि तूने फांसी की सजा होनी चाहिए, उनका घर गिरना चाहिए, बिलडोजर चलना चाहिए हम लोग का, तभी हमारे दिल का और हमारे भाई का आत्मा शांति मिलेगा। नहीं, आज हमारे भाई पे ऐसे किए हैं, और हजार भाई और हजार लड़कियां ऐसे करेंगी, मर्डर करवाएंगी। अच्छा अच्छा, तो आप ये भी अभी आरोप लगा रही थी कि क्या कहते हैं, रात को ही दाह संस्कार कर दिया गया था, जो भी चीज क्या थी ये? जी, हमारे भाई के शव मिलने पर पूरी तरीके से उसमें कीड़े पड़ गए थे और सब बदबू दे रही थी, इसलिए वहाँ से चीर घर से लाने के बाद प्रशासन ने प्रशासन बोली कि आज ही उसका दाह संस्कार कर दो। अच्छा, रात को ही कर दिया गया। जी, गठरी इतनी बड़ी आई है, हमारे भाई का शरीर 5 इंच का था। हाँ। और इतनी का कथिन 5 फीट का था। हाँ। और इतना थोड़ा सा लाश आई हमारे भाई की गठरी गठिया की, तब जाके शाम को ही उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। अच्छा, अच्छा। बिलडोजर से खनवा के। अच्छा। नहीं तो हमारे परंपरा में शाम को नहीं जलाया जाता है, न गाड़ा जाता है सर। करवाया था ये पुलिस प्रशासन, देख लो, पुलिस प्रशासन ने रात को ही, इनके मुताबिक जो ये बता रही हैं कि रात को ही पुलिस प्रशासन ने जो भी अंतिम संस्कार था वो करवा दिया पुलिस प्रशासन ने। क्या ये पुलिस प्रशासन को ऐसा करवाना चाहिए, रात को किसी का दाह संस्कार कैसे कर सकते हैं आप? हम मानते हैं कि लाश का जो भी चीज़ें था, लाश का जो भी टाइम लिमिट था वो ख़त्म हो चुका था, और बदबू मान लीजिए लाश में आ रही थी, तो लेकिन फिर भी ये सोचिए आप कि दाह संस्कार रात को कहाँ होता है हिंदू धर्म में, ये नहीं होना चाहिए था। सर, हमको योगी से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। जैसे हमारे भाई की जान गई है, वैसे जितने भी दरिंदे हैं उनको भी पकड़ के वही हादसा करना चाहिए, उन लोगों को भी। अभी तक नहीं पकड़े गए हैं वो लोग? एक भी नहीं पकड़े गए हैं, ना सर इतनी टाइट वो पुलिस है, ना कोई प्रशासन ऐसा कोई कार्रवाई कर रही है। जा जाके हम लोग विनती करते, दरिंद समझ कर हम लोग को वहाँ से भगवा दिया जाता है। आखिर क्यों अभी तक ये हत्या के आरोपी नहीं पकड़े गए? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ताकत नहीं है कि एक आरोपी को, एक हत्या के आरोपी को, या फिर एक गुनाहगार को
नहीं पकड़ सकते, वो भागा हुआ है। तो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी ताकत है, हमें पता है, हम लोग जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि चाहे ना अपराधी पाताल के अंदर आकाश में छिप जाए तब पर भी उनको ढूंढ निकाल सकती है, उनको खींच सकती है निकाल करके। लेकिन इस मामले में अभी तक ये आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सर हमारे भाई को वैसे ही होना चाहिए जैसे लोग हमारे भाई के साथ किए हैं, जितने भी उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी फांसी की सजा होनी चाहिए उन लोगों को। हम यही जी का बुलडोजर भी चलता है जी, बुलडोजर उसके घर में ढाला दीजिए। जैसे हमारी बहन, हम लोग जैसे भाई के लिए रो रहे हैं तड़प रहे हैं, उसके भी माँ बहन तड़पेंगी तब तो किसी का दर्द समझेंगे। क्या नाम है आपका? गीता। क्या लगती हैं आप लड़के की? मौसी है भाई। देख लीजिए ये मौसी है, ये मौसी जो होती है माँ समान होती है, और सोच सकते हैं आप मौसी जब माँ समान होती है तो उनका कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। देखिए हाय भैया हो हम लोग को ऐसे नहीं हो रहा। हम साहब गरीब, हमारे जीजा जी गरीब है, ईटा गारे वाले आदमी है, वो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी सुनाई नहीं हो रही है, हमारे चमार समझ के साहब हमारे सुनाई नहीं हो रहा है। हमारे भतीजे के एक लड़की फंसा के धमकिया के हमके भतीजे के मार लिया जान से। देखिए मौसी है और एक मौसी जो होती है माँ, माँ के बराबर का दर्जा होता है उसका। लेकिन आज देखिए मौसी का कुछ इस तरह का हाल हो गया है। ये बहन है आप? हाँ सर बहन है। क्या कहेंगी आप? हम यही चाहते हैं सर कि जैसे मेरे भाई की मौत के घाट उतारा उसी तरह से उसको भी मौत के घाट उतारा जाए, और उसके बावजूद बुलडोजर चलना चाहिए उसको घर पे, उसके घर पे, तभी हम लोगों की शांति होगी। मेरे बूढ़े माई बाप, माँ बाप क्या खाएं क्या पहने, कौन खिलाए? मेरा भाई अकेला है, दो भाई से एक भाई छीन लिया गया इन जरिंदे दुश्मनों ने। अच्छा ये बताइए ये जो लड़की है जिसका नाम, क्या नाम लड़की का? लड़की का नाम है सपना सिंह। अच्छा सपना सिंह को भी सजा कहीं ना कहीं वो भी हकदार है, क्योंकि हाँ, अगर वो अभी अब बच रही है, फोन से डिलीट कर रही है डेटा, तो वो भी हकदार है। हाँ, वो भी षड्यंत्र रची होगी। हाँ षड्यंत्र रच रही है, बोल रही है कि क्या कहते हमारा फोन टूट गया मेरी। हाँ हम लोग बोले कि क्या कहते कि फोन कहाँ रखी बड़ा वाला जिससे वीडियो कॉल बात करती थी, तो बोले कि मेरा फोन, मैं फोन तोड़ दी। फिर उसके बाद बोले कि क्यों तोड़ दी, फोन कहाँ रखी, तो बोली कि मैं सर जब आए प्रशासन आई तब बोली कि क्या कहती मेरा फोन पानी में डाल दिए हम। उसके भाई को जब सर पकड़े, सर वहाँ पे उसके घर पहुँचे, पकड़े सर उसके भाई के, तो वो बोला क्या कहती फोन लो, अपनी बहन का फोन कहाँ रखा है, तेरी बहन का फोन नहीं मिल रहा है। तो उसका भाई बोला लाओ फोन, भाई इसका फोन घर पे है, प्रशासन फोन ली है सर, प्रशासन बोल रही है कि कुछ सबूत मिलने पर ही हम करेंगे। अच्छा, उसके बावजूद क्या कर सकते हैं हम, किस पे शक कर ले? कहाँ है भाई लोग, कहाँ है सब? सब लोग सब घर है घर है सर। अब इस समय कहाँ है? अब हम घर पे हैं सर। अभी भी? अभी भी घर पे हैं जी सर, घर पे हैं। कोई कह रहे थे कोई कार्रवाई करेंगे, कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है, सब लोग डर रहे हैं सर हम लोग के खिलाफ, हम लोग गरीब। अभी तो आप लोग कहे कि वो भागा हुआ है जी। जी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं सर किसी गिरफ्तारी। यही लड़का है, ये देख लीजिए फोटो देख लीजिए, यही लड़का है, ये इसी लड़के के साथ ऐसा हुआ है। तो आखिर ये लड़का इस वक्त घर में ही है जो हत्या किया है जी? उसके भाई को तो नहीं जानते, उसके बहन वहन सब घर ही पे हैं। अच्छा, भाई लोग भाई फरार है कि घर पे हैं? हम लोग सब फरार है, सब फरार। ये देखिए ये लड़के के पिताजी हैं, लड़के के पिताजी हैं, ये देखिए भगवा रंग से सुशोभित लग रहे हैं, लेकिन आज इनका ही बेटा मारा गया। भगवाधारी एक तरह से इनको बोले कि भगवाधारी के बेटे को मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। बाप भगवाधारी, बाप देखिए जोगिया कलर कपड़ा पहना है, लेकिन बेटे को इनके हत्या कर दिया गया। सोचो बाप के अंदर, सोचिए कि सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है इनके अंदर, वफादारी है। बेटा मर गया लेकिन फिर भी अभी भी वफादारी भरी हुई है, भगवा से अपने आप को सुशोभित किए हुए हैं। लेकिन आज क्या हुआ, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगनारायण है साहब।
हम चाहते हैं कि इतना जो है जो उन्हें भर उसने तरीके से हमारा बच्चा मारा गया है वही सजा उनको भी होना चाहिए बाबू। पढ़ाया लिखाया खिलाया उसी तरीके से मार उनकी भी होना चाहिए बाबू जो जो थे उसने। ना भाई का गाड़ी का पता नहीं मोबाइल हमारे लड़के गाड़ी की भी पता नहीं। नहीं सर ना गाड़ी का पता ना मोबाइल का पता। देख लीजिए लड़का गाड़ी से गया था गाड़ी का भी नहीं पता। गाड़ी से है सर मोबाइल भी फेंक दिया। हाँ मोबाइल भी छीन लिया गया सर। तब भी कोई प्रशासन नहीं काम कर रही हम लोग को सुनाई दे ही नहीं मिला। आएगी डांट फटकार के चली जाएगी कि तुम लोग क्या जानो तुम लोग क्या जानो चुप रहो चलो घर बैठो। हाँ बोलिए आप हमारी जो है सुनाई होना चाहिए बाबू। एक पिता बेबस है बाप बेबस होता ही है आखिर क्या कर सकते हैं। न्याय की गुहार है। इस पिता को भाई से बात करते हैं। आ जाइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। क्या कहेंगे जिस तरह से भाई का हत्या हुआ कौन लोग शामिल हो सकते हैं? मेरे भाई को जो हत्या किया है वो सपना उर्फ गोलू का साथ है। हाँ, हमें अपना ये लड़की है। हाँ, जिस लड़की से आपका भाई बात करता था। हाँ, उसका पूर्ण सहयोग मिला। हाँ, पर हमें नहीं मालूम था कि मेरा भाई वहाँ पे बैठता है। हाँ, और आज हादसा हो गया और हम लोग दौड़ रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई की जिस तरह से तकनीकी से हत्या हुआ है यदि इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो कल दूसरा भाई भी मारा जाएगा परसों तीसरा भाई मारा जाएगा। इसलिए प्रशासन हमारी सख्त हो और सख्त जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ा जाए। अच्छा भागे हैं जो लोग किए हैं? हाँ इस समय नहीं है घर में ताला बंद है। अच्छा, अच्छा। उसकी माँ घर में है। अच्छा बेटी भी फरार है? बेटी फरार है। देख लीजिए बेटी भी फरार है। जिस लड़की के ऊपर आरोप है सपना सिंह के ऊपर आरोप है वो भी घर से फरार है। सिर्फ और सिर्फ घर में कोई है तो वो माँ है। भाई बहन फरार है। आखिर अगर ये दोषी नहीं है अगर ये गुनाहगार नहीं है तो ये फरार क्यों है? हाँ यही है। इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। प्रशासन इस पे ढिलवाही न हो। प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई कर रही है। अभी बाइक भी भाई का नहीं मिला है। हाँ बाइक नहीं मिली है ना मोबाइल मिला है ना मोबाइल मिली है। देख सकते हैं हम यही कहेंगे प्रशासन कार्रवाई करे। हाँ हम यही कहेंगे प्रशासन को इस मामले को ध्यान में रख कर अच्छे से फोकस करना चाहिए जिससे इन लोगों का जो हौसला है हौसला बढ़े ना और दूसरा कोई हत्या हो ना उत्तर प्रदेश या प्रयागराज में हमारे, क्योंकि प्रयागराज में बीते एक महीने से हत्याओं पर हत्याएं मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं। केंद्र बनता जा रहा है भैया आखिर क्यों? प्रयागराज हमारा प्रयागराज में अपराध कभी नहीं होता था इस तरह से आखिर क्यों अब हो रहा है? इसमें क्या पुलिस की ढिलवाही दिखा जा सकता है? इसमें आप ही बताइए। जल्द जल्द आरोपियों को पकड़ो चाहे आकाश में छिपे हों चाहे पाताल में घुस गए हों चाहे जहां छिपे हों ढूंढ निकालो और जो भी हकदार हैं जिस सजा के उनको तुरंत दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।